India's talent plus information technology is equal to India tomorrow. एक सशक्त आवाज जो एक ओर गूंजती है यूनाइटेड नेशंस में तो दूसरी ओर भारत सरकार की आवाज बनती है। ये सशक्त आवाज है एक साधारण सा जीवन जीने वाले असाधारण प्रतिभा के धनी रविशंकर प्रसाद की। रविशंकर प्रसाद पटना में जन्मे, सरकारी स्कूल में पढ़े और बतौर छात्र नेता 1972 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद 1973 में पटना विश्वविद्यालय के संयुक्त महासचिव बने और पहले छात्र सीनेटर होने का गौरव हासिल किया। पटना यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स किया और फिर LLB की पढ़ाई की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार के ऐतिहासिक JP आंदोलन के सिपाही बने और जेल गए और बाद में आपातकाल का विरोध भी किया। इसी समय आपने मुखर आवाज उठाने के लिए लोकवाणी अखबार की शुरुआत भी की। बतौर वकील पटना उच्च न्यायालय में वकालत की शुरुआत की। सामाजिक भावना और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए कई केस लड़े, जिसमें रथ यात्रा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि केस में केस जीतकर रामलला के वकील कहलाए। चारा घोटाला और अलकतरा घोटाले की निष्पक्ष CBI जांच के लिए हाई कोर्ट में बहस की, जिसके कारण ट्रायल के बाद कई बड़े नेताओं, अधिकारियों और सप्लायर्स को सजा मिली। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून लाकर उन्हें नवजीवन दिया। सन 2000 में पहली बार बिहार से राज्यसभा के सांसद बने और तब से लगातार बिहार की मुखर आवाज बने हुए हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रविशंकर प्रसाद ने कोयला, खान, कानून एवं सूचना प्रसारण मंत्रालयों में मंत्री बनते ही अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से घाटे में चल रहे कोल इंडिया को मुनाफे में लेकर आए। भारत में प्राइवेट FM रेडियो और DTH की शुरुआत की। फिल्मों में काले धन पर रोक लगाने के लिए फिल्म जगत को उद्योग का दर्जा दिलवाया। रविशंकर प्रसाद भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता भी रहे हैं। 1971 में इनकी शुरुआत एक पोलिंग एजेंट के तौर पर हुई और फिर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता एवं राज्यसभा में उपनेता के पद पर शोभित हुए। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में विधि, न्याय, इलेक्ट्रॉनिकी और IT का पदभार संभालते ही डाक विभाग को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिलाकर उसे नवजीवन दिया। इन्होंने ऋषिकेश और गंगोत्री का गंगाजल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देश के विभिन्न भागों एवं सुदूर गांवों तक पहुंचाया। रविशंकर प्रसाद ने देश में डिजिटल क्रांति आरंभ की और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए इन्हें दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली डिजिटल लीडरों में स्थान मिला। 2014 तक भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फोन फैक्ट्री थी, वहीं भारत को आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। इन्होंने एक मंत्री और सांसद के नाते देश में BPO की शुरुआत की, जहां आज देश के छोटे शहरों में 200 BPO खुल गए हैं, जिनमें से 8 BPO सेंटर पटना में ही संचालित हो रहे हैं। इन्होंने देश भर में 3 लाख से अधिक CSC सेंटर्स खुलवाए, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा सेंटर्स गांव में हैं। 28,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स बिहार में चल रहे हैं, जिनमें लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। नाइलिट केंद्र, सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप के लिए STPI सेंटर्स, पटना विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य, 752 से ज्यादा सड़कों का निर्माण, 52 स्कूलों में निर्माण कार्य, गंगा घाट का निर्माण कराया। सांसद विकास निधि से इन्होंने इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान में 2 करोड़ के सहयोग से अनेकों काम कराए। शीतला माता मंदिर के नजदीक धर्मशाला का निर्माण, अनेकों जगहों पर स्वच्छ भारत के लिए शौचालय का निर्माण जैसे अनेक काम किए हैं। इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत होने के बाद भी आज अपने रविशंकर प्रसाद जमीन से जुड़े हुए हैं। रविशंकर प्रसाद ने किया है जो काम, उससे बढ़ा है बिहार का नाम। पटना को बदलाव की आस, रविशंकर में जन जन को विश्वास, फिर एक बार मोदी सरकार।